ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी और बाद में तकरीबन 100 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। हम बात कर रहे हैं विनोद मेहरा की। जन्म 13 फरवरी सन 1945 अमृतसर में हुआ। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही। 50 के दशक के आखिर में और 60 के दशक की शुरुआत में विनोद मेहरा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम शुरू किया। 1958 की फिल्म रागिनी में इन्होंने किशोर कुमार के बचपन का किरदार निभाया था। कुछ फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ये काम करते रहे, पर सन 1971 में इनकी फिल्म आई एक थी रीटा, जिसमें इन्होंने बतौर हीरो काम किया। ये फिल्म इंग्लिश प्ले अ गर्ल कॉल्ड रीटा के ऊपर बेस्ड था। इनकी हीरोइन थी तनुजा। इसके बाद इनकी फिल्में आईं पर्दे के पीछे, अमर प्रेम और लाल पत्थर। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता। लाल पत्थर में इनके सामने थे 3 दिग्गज कलाकार, राखी, हेमा मालिनी और राजकुमार। इस फिल्म के अंदर विनोद मेहरा ने साबित कर दिया था ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। शेख बाबू चांदनी रात में हमारे साथ फतेहपुर सीकरी देखना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा वहाँ भूत प्रेत हैं। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? क्यों सिम्मी, सुनाया ने हबशी गुलाम सुलेमान की कहानी जो हमने तुम्हें सुनाई थी? क्यों बेकार डराते हैं शेखर बाबू? अरे यहाँ डरता कौन है सुमिता? देखिए शेखर बाबू, बाद में दोष मत दीजिएगा। सुमित तुम गवाह हो, ना आपको दोष दूंगा ना इनकी गवाही की जरूरत है, चलिए। और फिर सन 1972 में आई फिल्म अनुराग, जिसने इन्हें एक सशक्त अभिनेता साबित किया। विनोद मेहरा ने मल्टी स्टारर फिल्म्स में भी खूब काम किया, जैसे जानी दुश्मन, नागिन। इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, फिल्म अनुरोध, अमरदीप और फिल्म बेमिसाल में। अगर हम विनोद मेहरा के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनकी 3 बार शादी हुई। पहली शादी हुई मीना ब्रोका से, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। नदिया के पानी में जवानी देखो आग लगाती है, बदन मल मल के नहाती है, होए होए नदिया के पानी में। पर शादी के तुरंत बाद ही विनोद मेहरा को पहला हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से ये शादी नहीं चली। दर्दनाक कहानी है शंकर, सुनोगे तो तुम्हें भी दुख होगा। बाद में ये खबरें भी आईं कि इन्होंने अपनी हीरोइन बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली है, पर ये शादी भी नहीं चली क्योंकि उस वक्त तक विनोद मेहरा की बीवी मीना ही थी, जिस वजह से बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा को छोड़ दिया। प्यार की मार बहुत बुरी मार होती है, आदमी जीते जी मर जाता है। और उसके बाद ये खबरें भी गर्म रही कि विनोद मेहरा और रेखा की शादी हो गई है, और फिल्म घर में इन दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राग है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। कई बरसों तक यही गुमान रहा कि विनोद मेहरा और रेखा की शादी हो चुकी है, पर रेखा जी ने सन 2004 के एक टेलीविजन इंटरव्यू में ये बात साफ कर दी कि वो सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे, हमारी कभी शादी नहीं हुई। आज कल साहब की आखिरी शादी किरण जी से हुई, और इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, सोनिया और रोहन। बस 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 यार, अरे नाराज मत हो। दरअसल बात ये थी कि
कि आशा को शादी की बहुत जल्दी थी। वो क्या था कि उसके पूजनीय पिताजी चाहते थे कि शादी फौरन हो जाए, इसलिए हो गई। फिल्मों में एक्टिंग करते करते विनोद मेहरा बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी अपने कदम जमाने लगे थे। इन्होंने सन 1980 में फिल्म गुरुदेव का निर्माण शुरू किया, जिसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अनिल कपूर थे। पर इस फिल्म के पूरा होने से पहले ही मात्र 45 साल की उम्र में विनोद मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विनोद मेहरा उन एक्टर्स में से रहे जिन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म्स में काम किया और अपनी मासूमियत से स्क्रीन पर एक अनोखा जादू जगा दिया। यू आर हियर, डोंट यू रिमेम्बर मी? बंदा आपको बेरूत एयरपोर्ट पर मिला था। आई एम सॉरी, हम आपको नहीं पहचानते। हर हसीन लड़की जानकर अनजान बन जाती है और अनजान बनकर जान जाती है। क्यों हजूर, आखिर आप चाहते क्या? फतेह या शिकस्त, जीत। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ये दुनिया छोड़ दी, पर इन्होंने फिल्मों में बेमिसाल काम किया है और इनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा गर्व से लिया जाएगा। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें और गॉसिप के लिए लॉग ऑन करें facebook.com/ultrahindi और twitter.com/ultrahindi पर।